पापा क्या बात है आपने मुझे अचानक बुला लिया? बेटा तू ठीक तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं है तुझे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पापा, लेकिन आपने ऐसा क्यों सोचा? सोचा नहीं बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या? आल रोड पर पान की दुकान से अंकुश सिगरेट खरीद रहा था। उसे देखकर मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा कि वो बीमार है या उसे तेज बुखार। उस बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गए। बेटा क्या बात है बेटा? I'm sorry, पापा। मैंने आपसे झूठ बोला, आपका दिल दुखाया मैंने। बेटा मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, दुख इस बात का है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या बात है नंदा? तुम्हारे साथ बदतमीजी तो नहीं करता है ना वो? कोई बुरी आदत है उसे? शराब पीता है? तो क्या है बेटा, उसकी उसकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत तो नहीं है? पता नहीं पापा, मुझे पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता पापा। नहीं बेटा रोते नहीं, रोते नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक है। नहीं बेटा रोना बंद करो। नहीं कौन चाहिए? दामोदर। जेल से छूटकर सीधा यहीं आए? नहीं, दिनेश राय की छोटी हवेली की तरफ गया था मैं। अब वो लोग उस हवेली में क्यों रहने लगे भला? तुम्हारे जेल जाते ही राजपूत रोड पर एक आलीशान बंगला बनवाया है, वहीं रहते हैं। कमीने साले। पुरानी बातों को भूल जाता हूँ। कैसे भूल सकता हूँ मैं? अपनी पूरी जवानी सलाखों के पीछे गुजार दी मैंने। इन बाप बेटे की वजह से मुझे उस जुर्म की सजा काटनी पड़ी जो मैंने कभी किया ही नहीं था। अब तो सिर्फ मुझे दो काम करने हैं, एक मुझे दिनेश बाबू से हिसाब किताब चुकता करना है और दूसरा छोटी बिटिया को ढूंढ कर उसे बताना है कि मैं उसके बाप का कातिल नहीं हूं। छोटी बिटिया मतलब स्मृति? हाँ। उसका पता भी वही है जो दिनेश रॉय का है। मतलब? मतलब स्मृति दिनेश रॉय के छोटे भाई दीपक की बीवी है।